प्रदेश में एक बार फिर माफियाओं पर योगी बाबा का बुलडोजर चलने लगा है, तो वहीं केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी ने शिकंजा कस लिया है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं SPN9 न्यूज। ऐसा देखा जा रहा है कि प्रयागराज में मुख्तार अंसारी गैंग के एक और शख्स पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है। जिस तरह से लगातार माफियाओं और के खिलाफ और ऐसे बाहुबलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, अपराध को खत्म किया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ की सरकार में लगातार ऐसे नेताओं पर और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, उससे देखकर ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध जल्द ही खत्म होने जा रहा है। ऐसा देखा गया कि मुख्तार अंसारी जिस तरह से जेल में है और उससे पहले उनकी जितनी भी संपत्तियां थी उनको कुर्क कर लिया गया, उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया और उनके जितने भी गुर्गे थे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही थी। और इसी कार्रवाई के चलते कुछ वक्त पहले हमने देखा था कि प्रयागराज में मुख्तार अंसारी की एक संपत्ति पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चला था और यही बुलडोजर अब कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में ऐसे लोगों पर चल रहा है जिन्होंने अवैध तरीके से सरकार की संपत्तियों को जब्त कर रखा है, उन पर कब्जा कर रखा है। तो देखा जा रहा है कि ईडी और योगी बाबा के साथ साथ केंद्र सरकार भी अब इस एक्शन मोड में नजर आ रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है माफियाओं के खिलाफ, आखिरकार उत्तर प्रदेश कितनी जल्दी अपराध मुक्त हो जाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। नमस्कार।